नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर सब मजे कर रहे हैं। खूब सारे त्योहार मना के हटे ना हम अभी, दिवाली, दशहरा, गुरपुरब और आने वाला है क्रिसमस, क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। और हमारा लिटरेचर का पार्ट 7 भी यही तो कहता है, हमारे त्योहार यानी त्योहारों के बारे में जाने। तो आप सब अपनी पुस्तक खोल लीजिए पार्ट 7, और हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 7 कविता हमारे त्योहार की रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर A44, पार्ट 7, हमारे त्योहार। तो शुरू करें। साल के शुरू में फरवरी और मार्च, इन दो महीनों में कौन सा त्योहार आता है? होली। तो पहले हम होली के बारे में पढ़ें। चलो होली के बारे में पढ़ते हैं। होली आई रंग बिरंगी होली आई, गुजिया खाओ गुलाल लगाओ, एक दूजे को गले लगाओ। होली का त्योहार हमें क्या सिखाता है कि मौसम बदल गया, सर्दी चली गई, अब बसंत ऋतु आ गई है, और अब तो मौसम भी अच्छा है, खूब मस्ती करो, एक दूसरे को रंग लगाओ, गुलाल लगाओ और गुजिया खाओ, एक दूसरे को गले भी लगाओ। कई लोग होली पर लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। और हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, दिवाली। दीपों का त्योहार दिवाली, खुशियों का त्योहार दिवाली, घर घर में दीप जलाओ, लड्डू मिठाई खूब खाओ। ठीक है, दिवाली के त्योहार पर पटाखे चलाने का बिल्कुल देखो नाम नहीं लिया गया। खाओ पियो मस्ती करो, घर में दीप जलाओ, घर को सजाओ, यही दिवाली का त्योहार हमें सिखाता है, मिलजुल कर रहो। गुरु पर्व, गुरुपूर्व हमने अभी मनाया ना, थोड़े दिन पहले गुरु नानक देव जी का बर्थडे था। तो बहुत से और गुरुओं के जन्मदिन भी हम गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। गुरु पर्व की छटा निराली, गुरु की वाणी सबने मानी, गुरुद्वारों को खूब सजाओ, नगर कीर्तन में झूमो गाओ। नगर कीर्तन निकलता है गुरुपूर्व से एक दिन पहले या दो दिन पहले। उसमें क्या होता है, हम सब इकट्ठे होकर गुरबानी का पाठ करते हुए नगर में एक तरह से पूरा जुलूस की तरह निकलता है जुलूस, उसको नगर कीर्तन कहते हैं। नगर में घूम घूम कर भगवान के नाम का कीर्तन होता है, गुरु की वाणी का क्या बोला जाता है, पाठ किया जाता है। ठीक है, तो गुरुपूर्व का भी त्योहार है। नेक्स्ट है हमारे त्योहारों में ईद। बीता रमजान आई ईद, खुशियां लेकर आई ईद, हिल मिल सबको गले लगाओ, मीठी सेवइयां मिलकर खाओ। हर त्योहार में मिलकर खाने का तो पक्का काम होता है। अब बीता रमजान, रमजान का महीना होता है, जो हमारे इस्लाम धर्म के लोग हैं वो रमजान के महीने में व्रत रखते हैं पूरे 30 दिन, और उन व्रत को रोजा कहा जाता है। जब ये 30 रोजे खत्म हो जाते हैं तो लास्ट में जो होता है, लास्ट का दिन, उस दिन ईद मनाई जाती है, उसको कहते हैं बीता रमजान आई ईद, खुशियां लेकर आई ईद। होली और दिवाली से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है ये त्योहार इस्लाम धर्म के लोगों के लिए। सब एक दूसरे को मिलकर गले लगाते हैं, मीठी सेवइयां खाते हैं, नमाज अदा करते हैं जाकर। ठीक है, अब आ गया क्रिसमस। क्रिसमस आने वाला है, हम दिसंबर के महीने में पहुंच गए हैं, है ना। तो क्रिसमस के बारे में क्या लिखा है, क्रिसमस का त्योहार है आया, सेंटा क्लॉस उपहार है लाया, मिलकर क्रिसमस ट्री सजाओ, मोमबत्ती जलाओ, केक खाओ। जैसे हम मंदिर में धूप या दिया जलाते हैं, चर्च में मोमबत्ती जलाई जाती है, क्रिसमस केक काटे जाते हैं, घर में क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं, उस पर गिफ्ट्स लगाए जाते हैं, और बच्चे स्कूल में भी घर में भी क्रिसमस के त्योहार पे बहुत मजे करते हैं। हम स्कूल में भी मनाते हैं क्रिसमस, चॉकलेट्स भी बांटते हैं और अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट्स भी बांटते हैं, एक्सचेंज करते हैं ना हम गिफ्ट्स। तो क्रिसमस का त्योहार हमें क्या सिखाता है, सेंटा क्लॉज उपहार लाता है, यानी सेंटा क्लॉज के रूप में हम ही भगवान के रूप में एक दूसरे को त्योहार में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, बांटते हैं और क्रिसमस ट्री भी सजाते हैं।
केक खाई, मिठाइयां खाई, गुजिया खाई या सेवइयां खाई। मतलब तो खाने पीने से, मिलजुल कर त्योहार मनाने से और आनंद उठाने से है। सभी त्योहार हमें मिलजुल कर खुशियां बांटने का संदेश देते हैं। ठीक है, अब इस कविता को आपने पढ़ना है, लर्न करना है, राइट। टिल देन गुड बाय एंड एंजॉय। बाय बाय।